तो दीदी आज की वीडियो में हम आपको उद्योग सखी के कार्य क्षेत्र और दायित्व के बारे में, कार्यों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उद्योग सखी के आवेदन हो रहे हैं, तो यदि आप उद्योग सखी में पात्र हैं, इच्छुक हैं आवेदन करने की, तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। जो दीदी उद्योग सखी में आवेदन करेंगी उनको ये भी जानकारी ज़रूर चाहिए होगी कि उद्योग सखी क्या काम करेगी, कौन कौन से कार्य करेगी, कहाँ कहाँ पे उसको जाकर के कार्य करना होगा, कितने गांवों में जाना होगा, ऐसे कई सारे आपके मन में प्रश्न होंगे। तो आज की वीडियो में हम उद्योग सखी के कार्य दायित्व और कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, और इसके बाद अगली वीडियो में हम उद्योग सखी का चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन से लेकर और नियुक्ति तक का पूरा प्रोसेस आपको उसमें बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो में चलिए मैं आपको कार्य बता देती हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समूह से रिलेटेड नई से नई जानकारी आप लोगों को पहले से पहले मिलती रहे। तो दीदी यहाँ पर आप देखिएगा उद्योग सखी के कार्य एवं दायित्व क्या क्या हैं। तो निम्न इसके दायित्व होंगे यहाँ पर कार्य। नंबर एक है सीमांत एवं छोटे महिला किसानों को आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, पहला काम तो इनका ये हो जाएगा। यदि वे समूह में नहीं जुड़ी, समूह में जुड़वाना, और जो आजीविका वे करती हैं या उनको आजीविका जो उनको आती है उससे प्रेरित करना करने के लिए, उनको उत्पादक समूहों में जोड़ने का कार्य है। नंबर दो है उत्पादक समूह के सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सामुदायिक आधारित संस्थाओं के निर्माण, व्यापार करने के तरीकों, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित सरकारी योजनाओं इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो ये जो है कार्य उद्योग सखी का रहेगा। जो उत्पादक समूह बनाए जाएंगे उनको सारी जानकारी उद्योग सखी को देनी होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा रहेगा कि ग्राम पंचायत की महिला किसानों के साथ चर्चा करना और गाँव में कृषि आजीविका पशुपालन से संबंधित उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना, कि मतलब उस गांव में जो ऐसे क्या आजीविका के साधन और गतिविधियां हो सकती हैं जिससे कि महिलाओं को या किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसका पता लगाना, जानकारी करना, ये कार्य उद्योग सखी का रहेगा। फिर चार नंबर पे हो जाएगा कि उत्पादक समूह का गठन करना और उसका बैंक में एक खाता खुलवाने में सहयोग करना, ये कार्य जो है उद्योग सखी का होगा। समूह बनाने का काम तो ICRP करती हैं, लेकिन उत्पादक समूह बनाने का कार्य जो है वो उद्योग सखी के द्वारा किया जाएगा, और उत्पादक समूह का भी बैंक में खाता खुलेगा जिसको खुलवाने में जो सहयोग है वो उद्योग सखी करेगी, ठीक है। इसके बाद पाँच नंबर है उत्पादक समूह का बिजनेस प्लान बनवाना और व्यापार प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करना। तो उद्योग सखी का यही कार्य रहेगा कि क्या बिजनेस किया जाए, कौन सा बिजनेस वहाँ पर अच्छा चल सकता है, उस बिजनेस में किस प्रकार से पूरी रूपरेखा तैयार करना, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कितने से स्टार्ट करना है, उसको मार्केटिंग किस प्रकार से करना है, पूरा प्लान तैयार करने का जो कार्य है वो उद्योग सखी के माध्यम से कराया जाएगा। समूह की दीदियों के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने के लिए एक माध्यम होगी उद्योग सखी, जो आपको पूरी सहायता करेगी बिजनेस प्लान और बिजनेस को चलाने में, बिजनेस शुरू करने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और इसके प्रबंधन पर किस प्रकार से बिजनेस को किया जाए, किस प्रकार से मुनाफा कमाया जाए, तो पूरा जो है इसको करवाने का काम उद्योग सखी का होगा। ट्रेनिंग आदि भी उद्योग सखी के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। फिर छह नंबर है उत्पादक समूह के सदस्यों को प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य श्रृंखला और विपणन के साथ जोड़ने में सहायता करना। कुल मिला के मतलब उत्पादक समूह बनने के बाद दीदी लोग उसमें कार्य जो भी कर रही हैं, तो उसमें जो है उद्योग सखी को उसका मूल दिलवाना है और उनको मार्केट तक पहुंचाना है, और मतलब के नेशनल स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहुंच बनाना है, उसकी बिक्री है, क्रय विक्रय संग्रहण जो भी है, सारे कार्यों को करवाने में जो है उद्योग सखी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। फिर है सात नंबर उत्पादक समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण, जिले में एवं जिले के बाहर भ्रमण में सहायता करना। तो समूह उत्पादक समूह जो बनेंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम उद्योग सखी का रहेगा। जिले में भी काम दिया जा सकता है, जिले के बाहर जाने का कार्य हो तो भी आपको जाना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा, ये सब भी कार्य आपको करने पड़ेंगे और इसमें सहायता भी करनी पड़ेगी। उत्पादक समूह को यदि दूसरे ज़िले में ले जाके भ्रमण कराया जाता है तो वहाँ पर ले जाने का काम, साथ में जाने का काम भी उद्योग सखी का रहेगा। आठ नंबर है उत्पादक समूह में सदस्यों के उद्गम हेतु, उद्यम हेतु विभिन्न संस्थानों से ऋण लेने में की जाने वाली औपचारिकताओं में सहयोग करना।
अगर उत्पादक समूह किसी प्रकार से अपने बिजनेस या उद्योग के लिए ऋण आदि लेता है तो उसमें सहायता करना, उनके ऋण को दिलवाने में जो भी कार्य, जो भी फाइल वगैरह तैयार होती वो करवाना और ऋण वापसी कराने की जिम्मेदारी भी उद्योग सखी की रहेगी। 9 नंबर है उत्पादक समूह के कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल ऋण का समयबद्ध वापसी करवाना। जैसे कि मैंने बताया कि जो मतलब कि ऋण दिलवाया जाएगा उत्पादक समूह को, उद्योग सखी दिलवाएगी, फिर वापसी कराने की जिम्मेदारी भी उद्योग सखी निभाएगी। 10 नंबर है उत्पादित फसलों का संग्रहण विपणन संबंधित लेखा जोखा रखना। तो उद्योग सखी का कार्य क्या होगा कि जो बिजनेस या जो उद्योग वो दीदी लोग कर रही, उत्पादक समूह कर रहे हैं, उनका आय व्यय बिक्री का और खर्च का जो भी लेखा जोखा है उसको करने में पूरा जो है लेखा जोखा लिखना, बनाना, रजिस्टर्स तैयार करना, ये सारा कार्य जो है उद्योग सखी का रहेगा। लेकिन पैसे के रखरखाव की जिम्मेदारी उद्योग सखी की नहीं होगी, केवल लेखा जोखा रजिस्टर लिखने की जिम्मेदारी वो निभाएगी। तो कुल मिला के उद्योग सखी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों उद्योग सखी की नौकरी आजीविका मिशन में रखी जा रही है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कृषि आधारित आजीविका संवर्धन के अंतर्गत वर्तमान परिदृश्य के अनुसार ग्राम स्तर पर लघु एवं सीमांत महिला किसानों द्वारा कृषि उत्पादित अधिशेष उत्पादन सरप्लस प्रोडक्शन का प्राथमिक प्रसंस्करण एवं बाजारों में उचित बिक्री मूल्य दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ग्राम स्तर पर उत्पादक समूह का गठन करना, बैंक खाता खुलवाना, उनका बिजनेस प्लान बनवाना, सीमांत और लघु महिला किसानों को आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, उत्पादक समूह के सदस्यों अन्य महिला किसानों का क्षेत्र भ्रमण करना एवं व्यापार प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करना, सदस्यों को मूल्य श्रृंखला और विपणन के साथ जोड़ने में सहायता करना, कार्यशील पूंजी का समयबद्ध वापसी करवाना, उत्पादित फसलों का संग्रहण करना, विपणन करना, संबंधित लेखा जोखा भी रखना, सदस्यों के उद्यम हेतु विभिन्न संस्थानों से ऋण लेने में की जाने वाली औपचारिकताओं को निभाना, ये सभी कार्य उद्योग सखी या कृषि उत्पाद सखी को करने होंगे। दोनों एक ही बात है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उद्योग सखी जो है एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। अब उद्योग सखी के कार्य क्षेत्र की अगर बात करें कि उद्योग सखी का कार्य क्षेत्र क्या है, तो एक क्लस्टर में दो उद्योग सखी के पद हैं, रखी जाएंगी दो उद्योग सखी। तो उद्योग सखी का कार्य क्षेत्र जो है परियोजना से बेहतर क्रियान्वयन के लिए कृषि उत्पाद सखी या उद्योग सखी को अपने गाँव के अलावा आवश्यकता होने पर आसपास के गाँव में उत्पादक समूह की महिला सदस्यों को व्यापार करने की पद्धति पर सहयोग करेंगी और व्यापार विस्तार के लिए सेवा प्रदान करेंगी। अपने गाँव स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर तो कार्य करेंगी, अपने क्लस्टर में और बाकी अन्य गांवों में, क्लस्टर के अन्य गांवों में भी जाकर के या जिले से बाहर भी जाने को अगर कहा जाए तो वहां पर जाकर भी कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार से ये कार्य करेंगी। उद्योग सखी जो कार्य करेगी उसको रिपोर्ट किसको करेगी, तो ग्राम संगठन की अध्यक्ष को करेगी, अगर वो अनुपस्थित तो कोषाध्यक्ष को, और कोषाध्यक्ष अनुपस्थित है तो सचिव को रिपोर्ट करेगी। तो उद्योग सखी ग्राम संगठन को अपने कार्यों का, जो मासिक कार्यों का रिपोर्ट है वो ग्राम संगठन को सौंपेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।